बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। तो आज का व्लॉग जो है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। इस वक्त जो है सुबह के 12 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम है घर का, मार्केट जा रही हूँ मैं। लेकिन मार्केट की वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। ये व्लॉग जो बना रही हूँ ये चांद रात का है, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे थोड़ा सा कुछ काम है मार्केट में, मार्केट की वीडियो अपलोड नहीं कर सकूँगी क्योंकि छोटी बेबी भी है मेरे पास और पर्स मोबाइल को कैरी करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस वजह से बस रोड रोड की बना रही हूँ वीडियो। तो कुर्बानी की ईद है, बड़ी ईद है। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी की हुई कुर्बानियों को कबूल करे। बकरे जो हैं वो घर पे आ चुके हैं, थोड़ी सी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी बकरों की। तो आज जो मौसम है थोड़ा ज़्यादा गर्म है, बाहर गर्मी ज़्यादा है, पता नहीं क्यों बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ईद के तीनों दिन शदीद गर्मी होती है, तो अल्लाह करे कि ईद के तीनों दिन जो है वो लाइट नहीं जाए। बस लाइट जाती है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि गोश्त वग़ैरह जो है वो फ्रीज़ करके रखने में मसला होता है। वैसे मैं ज़्यादा गोश्त रखती नहीं हूँ, मेरी कोशिश होती है कि हर मुस्तहिक इंसान जो है वो गोश्त खाए। हम तो माशाल्लाह से साहिब हैसियत हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख एहसान है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा साल गोश्त खाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो इस तो महंगाई के दौर में बकरे का गोश्त या फिर बड़े का गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन मैं सारा का सारा गोश्त ही बांट दूँ। मैं एक दो सालन तक रखती हूँ, लेकिन इतना नहीं रखती हूँ कि फ्रिज भर दूँ। अपना हिस्से में जो भी आता है मैं उसमें से भी बांट देती हूँ। अल्लाह ताला हमारी की हुई कुर्बानियों को कबूल फरमाए। लेकिन जो पड़ोस से इधर उधर से गोश्त का हिस्सा आता है तो उसको तो मोस्टली रखना पड़ता है। तो बस यही होती है इंसान की नीयत। अल्लाह ताला को तो ना हमारे बकरों का, जानवर का गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, तो अल्लाह ताला हमारी सिर्फ नीयत देखता है। तो नीयत साफ़ हो और अच्छी नीयत से करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह। घर में वापस आने के बाद मैंने बनाई मज़ेदार सी बिरयानी क्योंकि ईद की रात है और सब लोग जल्दी आएंगे घर पे, जेंट्स वग़ैरह, तो इस वजह से मैंने सोचा बिरयानी बना लेती हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है, ईद के पहले दिन तो हमने की थी कुर्बानी, तो इस वजह से पूरा दिन गोश्त बांटने में, गोश्त धोने में, पकाने में गुजर गया। तो आज ईद का दूसरा दिन है, इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। मैं आज निकली हूँ थोड़ा घूमने फिरने के लिए, बच्चों को आउटिंग करवाने के लिए। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मरहबा मॉल। तो बस आफाफ हमारे साथ है, अबीर जो है वो अपनी दोस्त के घर पे गई हुई है और अजान जो है वो अपनी पप्पो के घर पे है। इस वजह से बस आफाफ हमारे साथ है। हुरैन छोटी जो है वो भी अबीर के साथ गई हुई है क्योंकि अबीर की जो फ्रेंड्स हैं वो हुरैन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस वजह से हुरैन को जो है वो अबीर लेके गई अपने साथ। हम लोग जो है मॉल से वापस आ गए हैं। अभी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल रख देती हूँ। इस वजह से मैं कंटिन्यू जो है वो घूमना फिरना नहीं दिखा सकती हूँ। तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की थी, पार्किंग की जगह बहुत अच्छी मिल गई और आसानी से हमने गाड़ी पार्क कर ली। Thank you.
तो हस्बैंड को जब भी मज़ा आता है जब सब बच्चे साथ होते हैं, वो मेरे ख़्याल से बोर हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बच्चों का जो है ना वो बात करने का तरीका, हल्ला गुल्ला मचाना, वो इंसान को बोर नहीं होने देता है। अभी सिर्फ अफाफ है और हम दोनों बैठे हुए हैं, तो हमें थोड़ी बोरियत सी महसूस हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाजपत रोड पे। आम दिनों में तो यहाँ पे पैदल चलने की भी जगह नहीं होती, लेकिन इस वक्त क्योंकि ईद का दूसरा दिन है और हर कोई ईद मनाने में मसरूफ़ है, तो आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल साफ़ है, ना गाड़ियाँ हैं ना इंसान है। तो बस गोश्त वाली ईद जो होती है वो बहुत ज़्यादा थका देती है। मुझे तो जब भी गोश्त बांटती हूँ तो बुखार हो जाता है थकावट से। बच्चों का अकीका हो, उसमें गोश्त बांटूँ या फिर बकरा ईद में, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने तो ईद के पहले दिन कुर्बानी कर ली। सुबह सवेरे जो है हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन दोपहर में कुर्बानी की तो शाम तक गोश्त वग़ैरह सब हमने बांट दिया। अब हम लोग पहुँचे हैं अरवा मार्ट। यहाँ पे जो है बच्चे आए हैं थोड़ा झूलों वूलों में। तो अरवा मार्ट की बेसमेंट में इन्होंने बनाया है झूलों वगैरह का सिस्टम, प्ले एरिया है यहाँ पे। तो बच्चों को बस ये चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं ईद में। ईद की खुशियाँ जो हैं बच्चों के लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए भी हैं, लेकिन हम बड़े हो गए, हमारे लिए काम ज़्यादा हो गया है, घर भी संभालने हैं, बच्चों को भी संभालना है। तो अब मूड ऐसा नहीं रहता है कि इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा इंजॉय कर सकें। तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो फ्री होते हैं, बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए, बच्चों को ऐसी जगह पे आना बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा साजिद की यही कोशिश होती है कि बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएं घूमने फिरने से, पर बच्चे जो हैं वो कभी खुश होने वाली चीज़ है ही नहीं, आप उनको कितना भी घुमाओ ना तो बच्चों का दिल नहीं भरता है। तो अफाफ की यहाँ पे फरमाइश थी। आते हुए हम लोग अबीर को भी लेके आए और हुरेन भी आ गई। हुरेन को तो अबीर खुद ही संभाल रही है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ अपनी खुशियों को शेयर किया, अपनी मसरूफियत शेयर की। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक मुझे दें इजाज़त, दुआओं में बहुत ज़्यादा मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।